अपने से आधी उम्र की छात्रा से प्यार और फिर शादी रचाने वाले लव गुरु प्रोफेसर मटुकनाथ की चर्चा फिर से शुरू हो गई है और इस बार इस अनोखी लव स्टोरी में नया मोड़ आ गया है। मटुकनाथ अपनी बीमार जूली को लाने सात समुंदर पार यानी टोबैगो पहुंच गए और वो अगले हफ्ते अपनी जूली को लेकर पटना पहुंचेंगे। मीडिया से बातचीत में मटुकनाथ ने बताया कि पिछले दिनों जूली के एक संदेश ने उन्हें त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सेंगस्टीन तक पहुंचा दिया और अब जूली पूरी तरह स्वस्थ है और जल्द ही जूली को लेकर पटना लौटेंगे। दरअसल जूली का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था। इसी बीच जूली ने मटुकनाथ को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया और मटुकनाथ अपनी जूली को लेने सात समुंदर पार पहुंच गए। प्रोफेसर मटुकनाथ पर जूली को उनके हाल पर छोड़ने के आरोप लगते रहे हैं। इन सभी खबरों का खंडन करते हुए प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि उनके प्रति शत्रु भाव रखने वाले लोगों ने ऐसा प्रचारित करने की कोशिश की, लेकिन जूली को वापस लाने पर उनका जवाब उन्हें मिल जाएगा। साथ ही कहा कि वो अपने शुभ चिंतकों को बताना चाहते हैं कि जूली अब चल फिर रही है, खाना पीना सामान्य हो चुका है और जल्द ही पटना में रहकर स्वास्थ्य लाभ करेंगी। मीडिया से बातचीत में मटुकनाथ ने बताया कि जूली को उन्होंने छोड़ा नहीं था बल्कि वो उनकी निजी स्वतंत्रता के समर्थक थे। जूली के भीतर वैराग्य का भाव 2014 से ही दिखने लगा था। वो भजनों पर नृत्य करती थी और चिंतन मनन में लीन रहती थी, जिसके बाद जूली पटना से मटुकनाथ का घर छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाने वृंदावन समेत दर्जनों जगहों पर भ्रमण करती रही। प्रोफेसर मटुकनाथ ने बताया कि इस बीच वो फोन के जरिए संपर्क में भी रही, लेकिन अचानक जूली का फोन आना बंद हो गया। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि वो अस्वस्थ हालत में त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंच गई है। वो किसी को जीवित बुद्ध मानने लगी थी और उनका अनुसरण करते हुए वहां इस हालत तक पहुंच गई। न्यूज़ डेस्क।